हाँ, आज हम बात करेंगे डाई नाइट्रो बेंजीन। डाई नाइट्रो बेंजीन की बात कर रहे हैं, नाइट्रो बेंजीन की अपन बात कर चुके हैं। डाई नाइट्रो बेंजीन थ्री टाइप की हो सकती है अपने पास। ये अपने पास डाई नाइट्रो बेंजीन है जिसमें दोनों जो NO2 समूह है वो ऑर्थो पोजिशन पे है। एक और डाइनाइट्रो बेंजीन की बात करें अपन तो इसमें दोनों जो NO2 समूह है वो एक दूसरे की मेटा पोजिशन पे है। और तीसरी जो डाइनाइट्रो बेंजीन है उसमें दोनों NO2 समूह पैरा पोजिशन पे है। ठीक है, ये जो है अपने पास ये कहलाती है ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन। ये कहलाएगी मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन और ये कहलाएगी पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन। सबसे पहले अपन इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, तीनों को अपन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन को। ठीक है, ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए अपन लेते हैं बेंजीन। ठीक है, एक मेथड है इसका अपने पास, बेंजीन से इसको अपन बना सकते हैं। बेंजीन से कैसे बनेगा उसकी बात करें तो बेंजीन का नाइट्रेशन कर दें अपन। बेंजीन का जो नाइट्रेशन है HNO3 प्लस H2SO4 से करा सकते हैं अपन। और HNO3 प्लस H2SO4 से अपन कराएंगे तो बेंजीन में NO2 समूह प्रवेश कर जाता है और अपने पास बनता है नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये जो नाइट्रो बेंजीन है इसका अपन अपचेन करा दें। पढ़ा था अपन ने नाइट्रो बेंजीन के अपचेन, टिन प्लस HCl से करवा दें आप तो ये जो NO2 समूह है वो किसमें बदल जाएगा, NH2 समूह में बदल जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगी, एनिलीन। तो एनिलीन बन गया अपने पास। एनिलीन जो है इसका अपन कराते हैं एसेटिलीकरण। ठीक है, इसका एसेटिलीकरण कराते हैं, एसेटल क्लोराइड से क्रिया करवाएं इसकी, CH3COCl, HCl बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। ठीक है, एसिटल समूह एनिलीन में प्रवेश कर जाएगा और एसिटल जो समूह है एनिलीन में प्रवेश कर गया तो अपने पास बन जाएगा एसिट एनिलाइड। क्या बन गया अपने पास, एसिट एनिलाइड। ये जो एसिट एनिलाइड है इसका अपन करवा दें नाइट्रेशन। जैसे इसका अपन नाइट्रेशन कराते हैं वही कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 से करवा सकते हैं अपन। NO2 समूह प्रवेश करेगा और NO2 समूह जो प्रवेश करेगा वो ऑर्थो पोजिशन पे कर जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्थो नाइट्रो एसिट एनिलाइड अपने पास बन जाएगा। ये जो ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड है इसका अपन जल अपघटन करते। जैसे अपन इसका जल अपघटन करते हैं ये जो समूह है OH वापिस NH2 में कन्वर्ट हो गया, एसिटल समूह प्रवेश कराया था, एसिटल समूह जल अपघटन करवाएंगे अपन और ये NH2 समूह में वापिस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपने पास बन गया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। क्या बन गया अपने पास, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है इससे अपन ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं। कैसे बनाए तो अपने पास इसके दो तीन मेथड है कि जैसे इसका यदि अपन ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण कराने से ये जो NH2 समूह है ये चेंज हो जाएगा NO2 समूह और अपने पास क्या बन गया, ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन। एक और तरीका है अपने पास, एक और तरीका क्या है कि जैसे ये अपने पास है NH2 समूह, इसका डाइजोटीकरण करवा दें अपन। डाइजोटीकरण करवाने के लिए वही नाइट्रस एसिड ले लें अपन,
या यूं कहें कि सोडियम नाइट्रेट प्लस एनओ2 से भी करवा सकते हैं अपन, इसका डाइजोटीकरण हो जाएगा, NH2 समूह N2Cl में चेंज हो गया, ये जो बन गया डाइजोटीकरण से इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हैं, NO2 समूह प्रवेश कराना है और वो अपन कराते हैं किससे, HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ Q+ ऑक्साइड ले सकते हैं अपन, NO2 समूह प्रवेश कर जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन। तो ये एक मेथड है जिससे अपन ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं और अपन ने ये स्टार्ट किया किससे, बेंजीन से, ठीक है। तो बेंजीन से ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन अपने पास बन जाती है। दूसरी बात करें अपन मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन की, मेटा डाइनाइट्रो जो बेंजीन है उसकी बात करते हैं, उसको कैसे बनाए, तो नाइट्रोबेंजीन से आप बना सकते हो इजीली। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे भी आ गई थी अपने पास, लेकिन बड़ा प्रोसेस है, यहाँ वो सिंपल प्रोसेस है। क्यों है सिंपल प्रोसेस, इसका आप सीधा नाइट्रीकरण कर दें HNO3 प्लस H2SO4 से, सीधा नाइट्रीकरण करने पर NO2 समूह क्या है, मेटादिष्टकारी है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण आने वाले NO2 समूह को कहाँ भेजेगा, ये मेटा पोजिशन में भेज देगा सीधे, तो अपने पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ईजिली बन जाती है, ठीक है। ज़्यादा प्रोसेस लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, नाइट्रोबेंजीन में NO2 जो ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इस कारण वो आने वाले NO2 ग्रुप को कहाँ भेज देता है, मेटा पोजिशन पे, तो अपने पास क्या बन गई, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। बात करें अपन पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन की, इसको कैसे बनाए, तो इसको बनाने के लिए आप पेरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड का उपयोग कर सकते हैं। अपन को बनाना है ऑर्थ हो गया, मेटा हो गया, क्या बनाना है अपन को, पेरा, पेरा डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। पेरा डाइनाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए कंपाउंड ले रहे हैं अपन, ये लगा दिया मैंने NHCOCH3 एसिटेनिलाइड है, और ये मैंने कर दिया पेरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, NO2 ग्रुप भी इसमें क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया, तो ये अपने पास कंपाउंड हो गया पेरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। इसका अपन कराते हैं जल अपघटन, जल अपघटन अभी ऊपर भी कराया था अपन ने, ठीक है, जल से रिएक्शन करवा दें इसकी, ये OH और ये H, कहने का मतलब जैसे अपन ने यहाँ एसिटल समूह था उसको चेंज कर दिया था NH2 समूह में, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये जो एसिटाइल समूह लगा हुआ है पेरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड में, ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 समूह, NH2 समूह में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया अपने पास, ये रिएक्शन अपन यूज कर सकते हैं आगे, वो इसका डाइजोटीकरण करवा दें अपन। डाइजोटीकरण कराने के लिए सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, लो टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है अपने पास, ये अपने पास इसका डाइजोटीकरण हो गया, और ये किस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, N2Cl में, NH2 जो ग्रुप था वो चेंज हो गया N2Cl ग्रुप में, ये जो कंपाउंड आ गया इसमें आप अब NO2 समूह प्रवेश करा दें इसकी तरह, तो वही नाइट्रस एसिड से करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, सीधा आपके पास NO2 समूह क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा और आपके पास बन जाएगा पेरा डाइनाइट्रो एसिड एनिलाइट। तो ये तीनों मेथड है जिससे अपन ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन और पेरा डाइनाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं। एक और कंपाउंड की बात करते हैं अपन आज, बड़ा ही स्पेशल कंपाउंड है और वो है अपने पास टीएनटी। टीएनटी है अपने पास ट्राइनाइट्रोटोलुइन, शॉर्ट में इसको कहा जाता है टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। होता क्या है, स्ट्रक्चर की बात करें इसकी तो बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर है इसकी, ये तो हो गया अपने पास टोलुइन और इसमें तीन NO2 समूह डालने अपन, तो ये बन जाएगा ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। ये जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन है इसका अपन
मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन टोलुइन है, टोलुइन से इसको अपन बना सकते हैं। टालुइन ले लें अपन, ये अपने पास बेंजीन रिंग और इस पर लगा दिया मैंने CH3, टोलुइन हो गया। ये जो टोलुइन है इसका अपन करवा दें नाइट्रीकरण HNO3+H2SO4 से। NO2 समूह प्रवेश करेगा क्योंकि CH3 समूह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इस कारण ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा NO2 समूह। ये एक बना दिया अपन ने ऑर्थो प्रोडक्ट और एक साथ में बनेगा इसके पैरा प्रोडक्ट भी, ठीक है। ये पैरा ऑर्थोनाइट्रो टालुइन और पैरा नाइट्रो टालुइन अपने पास बन जाता है टालुइन से। इसके बाद आगे फिर इसका अपन क्या कराते हैं, नाइट्रीकरण करवाएं। जैसे अपन नाइट्रीकरण कराएंगे एक NO2 समूह और प्रवेश कर जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब वापस वही नाइट्रीकरण जैसे करवाया था, आपको और NO2 समूह इसमें डालना है तो वापस आप नाइट्रीकरण करा दें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के, NO2 समूह प्रवेश कर जाएगा। इसमें बात करें तो इसमें पैरा पोजिशन खाली है, इसकी बात करें तो इसमें ऑर्थो पोजिशन खाली है, तो वहाँ अपने पास प्रवेश कर जाएगा। ये अपने पास CH3 NO2 है, ये NO2 प्रवेश कर गया, यहाँ NO2 था, ये NO2 प्रवेश कर गया। कहने का मतलब अपने पास डाइनाइट्रोटोलुइन बन जाता है, डाइनाइट्रोटोलुइन बन गया। और आप इसका क्या करा दें, नाइट्रीकरण करवा दें टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करके। एक और पोजीशन फ्री बची अपने पास, वहाँ भी NO2 समूह एंटर हो जाएगा, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। ट्राई नाइट्रोटोलुइन अपने पास क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन, ठीक है। ये तो था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन ट्राई नाइट्रोटोलुइन अपने पास, ये टोलुइन और 3 NO2 समूह, दो तो ऑर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन पे CH3 के। इसका ऑक्सीकरण करवा दे अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से ये जो CH3 समूह है ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CWH समूह में। ये TNT था ट्राई नाइट्रोटोलुइन और ये ऑक्सीकृत हो गया, और ये बन क्या गया, तो ये अपन जानते हैं ये बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड में क्या लगा हुआ है, 3 NO2 लगा हुआ है, तो ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। इस ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड को थोड़ा हीट करें तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, और जैसे CO2 बाहर निकलेगी आपके पास एक महत्वपूर्ण कंपाउंड बनेगा NO2 और NO2। बेंजीन रिंग में 3 NO2 समूह लगे हुए हैं और इसको कहा जाता है ट्राइनाइट्रो बेंजीन। ये तो था ट्राइनाइट्रो टोलुइन और ये क्या है, ट्राइनाइट्रो बेंजीन। तो दोनों ही महत्वपूर्ण पदार्थ है और दोनों ही TNT और TNB विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जो कि काम में लाए जाते हैं विस्फोट करने के लिए, ट्राइनाइट्रो टोलुइन और ट्राइनाइट्रो बेंजीन, दोनों ही विस्फोटक पदार्थ है, बड़े महत्वपूर्ण है जो कि कोयलों की खदानों में इनमें विस्फोट करने के लिए काम में लाए जाते हैं। इसके बाद तो ये अपना था ट्राइनाइट्रो टोलुइन।